साजिश नहीं है, ये अमेरिका की साजिश है, ये बर्तानिया की साजिश है, ये फ्रांस की साजिश है। हाँ, यही आदत है सवाल शुदा कौमों की, जो अपने ऐब औरों पे थोपते हैं, अपनी कमजोरियां औरों पे थोपते हैं। पेट में दर्द हो तो ये भी अमेरिका की साजिश है। अपने अंदर ऐब ढूंढो, अपनी कमियां ढूंढो, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी। उनमें सवाल और नहीं लाते। अमेरिका वाले इतने फारिग नहीं है, यूरोप वाले इतने फारिग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका वाले इतने फारिग नहीं है कि तुम्हारे सवाल को सोचें। सवाल अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। बीमारी अंदर से उठती है, बाहर से नहीं आती। और असबाब अंदर पैदा होते हैं, बाहर नहीं पैदा होते। जैसे जिस्म की बीमारी के असबाब अंदर पैदा होते हैं, कौमों के सवाल के असबाब भी अंदर ही पैदा होते हैं। कौमों का सफीना उसी वक्त डूबता है जब खुद उनके हाथों में बरमे हों और अपने कश्ती में छेद कर रहे हों। उस वक्त सफीने डूबते हैं जब अपने बादबानों को तीर मार रहे हों। उस वक्त सफीने डूबते हैं जब अपने अपने अपनी तख्ती अपनी अपनी कश्ती के जब वो तख्ते उखेड़ते हैं। उस वक्त सफीने डूबते हैं जब कौमों में जुल्म आ जाता है, खयानत आ जाती है, झूठ आ जाता है। रेड़ी वाले को कौन झूठ बुलवा रहा है? किसकी साजिश से ये झूठ बोल रहा है? किसकी साजिश से नौजवान माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है? किसने साजिश की है कि माँ की जरा सी डांट पर बेटा उछल के हो जाता है? किसने ये साजिश की है बाप की थोड़ी सी आंखें दिखाने पर बेटा गरेबान पकड़ने को आ जाता है? मैंने अपने कानों से सुना, एक बच्ची माँ को कह रही थी भौक नहीं, भौक नहीं, और उसकी माँ के बड़े बड़े आंसू ऐसे गिर रहे थे। ये किसकी साजिश है? सच्चाई निकल गई, झूठ ने डेरे डाल लिए, इंसाफ निकल गया, जुल्म की घटाएं छा गई, दयानत रुखसत हो गई, बद्यांती तिजारत बन गई, फ्रॉड तिजारत बन गई, धोखा तिजारत के नाम पर धोखा। ये किसकी साजिश से हुआ है? मेरे अपने किरदार की खुशी से हुआ है, मेरे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने से हुआ है। फिर और बहुत से असबाब साथ जमा हो जाते हैं, लेकिन किसी कौम की हलाकत के तीन बड़े सबब हैं: जुल्म, झूठ, खयानत। इन पर जुनैद बगदादी बैठा दो सदर पाकिस्तान, शेख अब्दुल कादर जिलानी बैठा दो वजीर आजम, नहीं निकाल सकते सवाल से। सवाल से उसी वक्त निकलेंगे जब तौबा करेंगे, जब इन गलास्तों से निकलेंगे, जब इन आमाल से निकलेंगे। कुरान की नेकी काम नहीं आती जब अवाम में नाफरमानी नासूर की तरह फैल जाए और कैंसर की तरह फैल जाए। हयो, हमारे पांव पे कुल्हाड़ी अपने हाथों से लगी है, अपने हाथों से, किसी की साजिश से नहीं, अपने हाथों से है ये घर, अपने हाथों से। दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।